लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे। बैठक में शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चौकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।